हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे, आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान, अध्याय 2, त्वरित और भूकंप। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुँचाना है जो सुदूर गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षा की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार झारखंड बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फ़ायदा ही मिलेगा। तो आज जो अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। आप रोज रोज की प्राकृतिक परिघटनाओं से परिचित ही हैं, पर कुछ घटनाएं हमारे जीवनचर्या पर गहरा प्रभाव डालती हैं, जैसे कि पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्वरित अथवा लाइटनिंग और भूकंप अथवा अर्थक्वेक कितनी विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है और इसका मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम कर पाने का सभी प्रयास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आवेश अथवा चार्ज। क्या आपने कभी बिजली के खंभे में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होते देखा है? उसी प्रकार अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिएस्टर कपड़े उतारते समय चिटचिट की आवाज़ सुनी होगी या छोटी छोटी चिंगारी देखी होगी। क्या आपने अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे सटाकर देखा है? प्रश्न उठता है कि आखिर ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े स्केल से क्यों सट गए, कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकली और आकाश में बिजली विशाल स्तर की चिंगारियां क्यों दिखाई देती हैं? त्वरित अथवा लाइटनिंग भी एक विशाल स्तर की चिंगारी है। आवेश अथवा चार्ज। बच्चों, रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर यह प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने पतंग में नुकीला चालक लगाया और पतंग की डोर रेशम की बनाई। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचारित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। परंतु आपको यह प्रयोग कदापि नहीं करना है, क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। बेंजामिन के इस प्रयोग को आजमाने के लिए एक रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया, जिसके झटके से रिचमैन की फौरन मौत हो गई। आइए आगे बढ़ने से पहले दो तीन एक्टिविटी कर लेते हैं। तो पहला है, आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए, उसे चप्पल भी पहने रहने को कहिए। अब सूखी गमछी अथवा तौलिए से कुर्सी के पीठ को धीरे धीरे पीटिए या रगड़िए। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद आप टेस्टर उसके शरीर में सटाएंगे, टेस्टर का बल्ब जल उठेगा और अगर आप उसके शरीर के पास उंगली ले जाएंगे तो नीली आभायुक्त चिंगारी दिखेगी और चिटचिट की आवाज़ भी सुनाई देगी। सावधानी, कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए, इससे अत्यधिक आवेशन का भय रहता है और नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका भी लग सकता है। एक्टिविटी नंबर 2, दो गुब्बारों को फुलाकर धागे से बांधकर इस प्रकार लटकाइए कि ये आपस में सटे नहीं, अर्थात इनके बीच थोड़ी दूरी बनाए रखिए। अब इन गुब्बारों को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी क्रिया को बेकार रिफिल पर दोहराएं। एक कांच की सूखी ग्लास लीजिए, इसका उपयोग स्टैंड की तरह करते हुए एक बेकार रिफिल को पॉलीथीन से रगड़कर उसमें रखिए। ध्यान रहे कि रगड़ी गई रिफिल को हाथ से ना छुएं। अब दूसरी रिफिल पॉलीथीन से रगड़कर उसके पास लाइए। आप देखते हैं कि रिफिल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पुनः एक रिफिल को रगड़कर गिलास में रखिए और एक बैलून जो रिफिल से अलग पदार्थ की बनी है को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और उसे ग्लास में रखिए। आवेशित रिफिल के पास ले जाइए। आइए इन तीनों एक्टिविटी का अवलोकन पर विचार करें। तो पहला है, समान पदार्थों से रगड़े गए
गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। दूसरा, समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे को प्रतिकर्षित किया। और तीसरा, परंतु एक गुब्बारा और रिफिल ने असमान आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित किया। तो हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह धनावेश अर्जित करता है और इस आवेश को हम प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और पॉलिथीन से रगड़ने पर प्लास्टिक ऋणावेश अर्जित करता है और इस आवेश को हम माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सरल विद्युतदर्शी अथवा इलेक्ट्रोस्कोप। प्लास्टिक अथवा कांच की चौड़ी मुंह वाली पारदर्शी बोतल लीजिए। मुंह के साइज से थोड़े बड़ा गत्ते अथवा कूट का टुकड़ा काट लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। अब एक लोहे के पेपर क्लिप को उल्टा कर ऊपर नीचे हुक जैसी संरचना बना लीजिए। एक सिरे को गत्ते में घुसाकर बोतल से ऊपर रखिए और दूसरे सिरे में दो एल्युमिनियम की पत्ती का टुकड़ा इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के लंबवत रहे। अब आप एक बेकार रिफिल को आवेशित कर पेपर क्लिप के गत्ते की ऊपर वाली छोर पर सटाइए। हम देखते हैं कि आवेश सुचालक हुक से होकर एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़ों को आवेशित कर रहा है और समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। अब आप कील के ऊपरी सिरे को अपने हाथों से छूइए। आप देखेंगे कि पत्ती का टुकड़ा अपने पूर्व की अवस्था में चला गया। इसका अर्थ है कि पत्ती के टुकड़ों का आवेश आपके शरीर में आया और वह अनावेशित हो गया। यह आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला गया। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन अथवा अर्थिंग कहते हैं। तड़ित आकाश का विद्युत। तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती हैं तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। संघनित जलवाष्प यहाँ बादल के रूप में रहता है और हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। पानी की बहुत छोटी बूंदें धनावेशित हो जाती हैं और अपेक्षाकृत बड़ी बूंदें ऋणावेशित हो जाती हैं। धनावेशित बूंदें हल्की होने के कारण ऊपर उठकर बादलों के ऊपरी भाग में एकत्रित होती हैं और ऋणावेशित बूंदें अपेक्षाकृत भारी होने के कारण बादलों के निचले भाग में जमा होती हैं, और इस प्रकार धनावेशित और ऋणावेशित बादलों का निर्माण होता है। दो विपरीत प्रकार के आवेश के आवेशित दो बादल जब एक दूसरे के निकट आते हैं तब आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस क्रिया को विद्युत विसर्जन अथवा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। तड़ित से सुरक्षा के उपाय। पहला है, तड़ित झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान पर ना रहें। दूसरा, किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह पर ही बने रहें। तीसरा, यदि आप किसी बस, कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर ही रहें। चौथा, खुले मैदान में मकान की खुली छत पर और बड़े वृक्षों के नीचे ना रहें, और अगर आप बगीचे अथवा जंगल में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे ही रहें। पांचवा, यदि आप खेतों में हैं तो वहां वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर है कि आप खुले मैदान में लेटकर अथवा सिकुड़कर उकड़ू होकर बैठे रहें। छठा, बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूर रहें। तड़ित चालक अथवा लाइटनिंग कंडक्टर। ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति है तड़ित चालक। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ तांबे के मोटे तार की तीन नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3 से 4 फीट अंदर ले जाकर तांबे के पलेट से जोड़कर मिट्टी से ढक देते हैं। इससे भवन, इमारतें आदि तड़ित सुरक्षित हो जाती हैं क्योंकि इस तांबे के पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है। विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाली आघात से बचने के लिए हम घरों में भूसंपर्कन अथवा अर्थिंग की व्यवस्था करते हैं। अब देखते हैं भूकंप अथवा अर्थक्वेक। भूकंप
पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप के कारण, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की परत कई टुकड़ों में विभाजित हैं, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती हैं। गति के कारण ये कभी कभी एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा एक दूसरे से टक्कर। इसके कारण भूपर्पटी अथवा अर्थ क्रस्ट में विक्षोभ उत्पन्न कर देती है और यही विक्षोभ पृथ्वी पर भूकंप के कारण होते हैं। इसके अलावे ज्वालामुखी फटने से, उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंप से बचाव। रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल भुइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थुइंग भूकंप मापी लगाया गया और उस समय से जो है भूकंप को मापा जा रहा है। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूपृष्ठ पर पहाड़, पठार, मैदान और सागर के बीच असंतुलन की अवस्था आने से भूकंप होता है। पर भूकंप से बचाव के लिए भूकंप आने पर आवश्यक सावधानियां जो आप कर सकते हैं वह है, पहला, किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे आश्रय लें और झटकों के रुकने तक छिपे रहें। दूसरा, संभव हो तो अपने सिर के ऊपर तकिया आदि जैसे चीजें रख लें तथा घर के कोने में खड़े हो जाएं। तीसरा, भारी वस्तुओं से दूर रहने का प्रयास कीजिए ताकि ये वस्तुएं आपके ऊपर न गिरें। चौथा, भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाएं। पांचवा, कार अथवा बस में है तो उससे बाहर न निकले और गाड़ी को धीमी कर दें। तो हमने क्या सीखा? वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। स्वजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित चालक घड़ों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकते हैं। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।